पीपी से बनी हुई है, हाँ पीपी किट इसीलिए बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ है। तो इसको हमने कलेक्ट किया पूरे बंगाल का, कलेक्ट करके अपने प्लांट में ला करके इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया। तो हमारे जितने बायोमेडिकल प्लांट हैं सब में हैवी ड्यूटी इंसिनरेटर्स लगे हुए हैं, तो ये सारे पीपी किट को, मास्क को, इसको सब जलाया गया। 800 से 1200 डिग्री टेम्परेचर पर जो है इस कचरे को जलाया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना काल के समय जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट थे वो कहाँ चले गए? पीपी किट कहिए, मास्क कहिए, या फिर जितने भी अस्पतालों में जो कचरे बनते थे वो कहाँ चले गए? वो सारे कचरे जब हम लोग यूज़ करते थे, दिन रात यूज़ करते और अभी भी यूज़ कर रहे हैं, वो कभी किसी ने क्या सोचा है? कोरोना काल चला गया, हम लोग बहुत खुश हो गए, मास्क का उपयोग भी हम लोग कम कर दिए, लेकिन वो जो कचरा है वो आखिर जाता कहाँ है, कहाँ गया? हम लोगों ने फेंका रोड पर तो फेंकने से सरकार ने मना कर दिया, हम लोग कचरे के डिब्बे में रख देते हैं, कचरा वाला आता है, कचरा लेकर चला जाता है, लेकिन वो तमाम कचरे कहाँ चले जाते हैं, अस्पतालों से कहाँ चले जाते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए केवल एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से उपयुक्त है। मैं कहूँगा कि रमाकांत बर्मन जी सेवामूलक कार्यों में बड़ा नाम, सुनाम बनकर उभरे हैं इन दिनों में। ग्रीन टेक इन्वायर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे अगले कुछ मिनटों तक। सर, बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में। धन्यवाद सर। लोगों के मन में एक सवाल है कि भाई हम लोगों ने इस्तेमाल तो बहुत कुछ किया पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल में, लेकिन ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो कहाँ चला गया? जवाब केवल आप दे सकते हैं। हमारा पूरे पश्चिम बंगाल में 3 बायोमेडिकल का प्लांट है, एक सिलीगुड़ी में है, एक बर्धवान में है, एक कलकत्ता में है। और पूरे बंगाल का कचरा हमने, हमारे 50 गाड़ियां थीं, उन गाड़ियों को हमने सारे अस्पतालों में भेजा, उन कचरों को कलेक्ट करवाया, कलेक्ट करा करके अपने प्लांट में ट्रीट किया। और ये हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, लेबोरेटरीज, डॉक्टर्स क्लिनिक्स, ये कचरे तो हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं। हम पिछले 12-13 साल से इस काम में लगे हुए हैं और सारे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, लेबोरेटरी, डॉक्टर्स क्लिनिक का कचरा हम ही उठाते हैं। ग्रीन टेक की गाड़ियाँ चलती रहती होंगी, लोग देखते होंगे। नॉर्थ बंगाल में ग्रीनजन नाम से एक कंपनी चलती है, ग्रीनजन ही हमारी कंपनी है। बर्धवान में RVD वेस्टेक है, उसकी गाड़ियाँ चलती है, और ग्रीन टेक की गाड़ियाँ जो है ज़्यादा चलती है पूरे KMDA डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इस कचरे को हॉस्पिटल और ये सब मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट से उठाने का काम, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट से उठाने का काम तो पिछले 12-13 साल से कर रहे हैं, लेकिन कोविड पीरियड में, पिछले 2 साल के कोविड पीरियड में वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ। इस कारण से हुआ कि पीपी किट का प्रचलन आया, क्योंकि लोगों को वायरस से बचना था, लोगों को इस बहुत ही संक्रामक वायरस, इन्फेक्शस वायरस था, तो लोगों को बचना था, तो डॉक्टर इसको यूज़ करते थे, पैरामेडिकल स्टाफ यूज़ करते थे, और जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर थे, पुलिस ऑफिशियल्स थे, वो सब यूज़ करते थे। एरोप्लेन में, जब एरोप्लेन चालू हुआ जुलाई 2021 में, तो एरोप्लेन जब ट्रैवल लोग करने लगे तो बीच वाली सीट पे वो पीपी किट पहन करके बैठने लगे, तो सारे एयरपोर्ट से भी पीपी किट का उठाने का काम हमने किया। सारे एयरपोर्ट से वो फेस शील्ड वगैरह, PVC का फेस शील्ड चेहरे पे लगाते थे लोग, ताकि वायरस उनको छुए नहीं। ये सारे एयरपोर्ट पे बंगाल के हमारी सर्विस रही, उन कचरों को हमने उठाया और उसको ला करके हमने अपने बायोमेडिकल प्लांट में ट्रीट किया। एक भी फेस शील्ड और एक भी पीपी किट किंतु एयरपोर्ट का कहीं भी कहीं नहीं फेंका गया। जब होटल चलने लगे तो होटल में भी लोग इसको यूज़ करने लगे, पीपी किट को, मास्क को, हैंड ग्लोव्स, हेड कैप था, शू कवर्स यूज़ करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है पीपी से बनी हुई है, हाँ पीपी किट इसीलिए बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ है। तो इसको हमने कलेक्ट किया पूरे बंगाल का, कलेक्ट करके अपने प्लांट में ला करके इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया। कोविड पीरियड में इसकी संख्या बहुत, इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया इसलिए कि जो परिवार इस संक्रमण से प्रभावित हुए, कभी कभी वो परिवार अपने घर पर ही क्वारंटाइन हो गए,
एक पूरा इलाका ही पूरा क्वारंटाइन जोन कर दिया गया। उस जोन में बहुत सारे फैमिलीज आ गई। अब उनके घर से जो भी कचरा निकलता था, वो खाने पीने का वेस्ट हो, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे थाला हो, सब कुछ हो, ये कचरा जो है म्यूनसिपल स्टाफ उठाने से मना कर दिए थे। वो डर गए थे लोग, जो क्लास 3-4 स्टाफ हैं, जो यूजुअली हमारे घर से कचरा उठाते हैं और म्यूनसिपल की गाड़ियों में देते हैं डंपिंग ग्राउंड में भेजने के लिए। तो KMC के सारे वर्कर्स क्लास 3-4 थे, उन्होंने मना कर दिया। KMDA एरिया के और जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थे, उसे क्लास 3-4 ने उठाने से मना कर दिया पूरे बंगाल में। तो फिर माननीय मेयर कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फिरहाद हकीम साहब ने हमें बुलाया, हम गए, मीटिंग हुई कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में। हमसे पूछा, हम बोले हम उठाएंगे सर, कोई बात नहीं, हम तो 12-13 साल से हॉस्पिटलों से उठा रहे हैं, नर्सिंग होम से उठा रहे हैं, लेबोरेटरी से उठा रहे हैं, क्लिनिक से उठा ही रहे हैं, तो फिर घर घर से उठाना है, कुछ और गाड़ियों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ और मैन पावर हमें डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो हमने गाड़ियों का इस्तेमाल किया, मैन पावर को उतारा और घर घर से हमने बायोमेडिकल वेस्ट 144 वार्ड कलकत्ता शहर में 2 साल का जो पीरियड था, इसमें जितने लोग क्वारंटाइन थे घर पर, वो कचरा उठाया हमने। फिर उसके बाद जितने सेफ होम चलाए गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने चलाए, गवर्नमेंट ने चलाए, वो सारे सेफ होम का कचरा सर हमने उठाया। तीसरा जो क्वारंटाइन इंस्टीट्यूट्स थे, क्वारंटाइन इंस्टीट्यूट्स, उसके भी सर, कोविड सेंटर्स थे, उसके भी सारा कचरा हमने उठाया सर। और उठा करके उसको ला करके इसका जलाने का नियम था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑर्डर था कि इसको हैवी ड्यूटी इंसिनरेटर्स में इसको जलाना पड़ेगा। तो हमारे जितने बायोमेडिकल प्लांट हैं, सब में हैवी ड्यूटी इंसिनरेटर्स लगे हुए हैं। तो ये सारे पीपी किट को, मास्क को, इसको सब जलाया गया। 800 से 1200 डिग्री टेम्परेचर पे जो है इस कचरे को जलाया गया, जिससे कि इससे कोई, क्योंकि यदि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको ना जलाया जाए, इसको ऐसे ही खाली जा करके वो सड़क के किनारे उसको जला दिया जाए, तो तुरंत उससे दो तरह की गैस निकलेगी। उस गैस का नाम है डाइऑक्सिन और फ्यूरान। नॉर्मल प्लास्टिक को आप ऐसे ही जला देते हैं रोड के किनारे, तो उससे दो भयंकर गैस निकलती है, डाइऑक्सिन एंड फ्यूरान। और डाइऑक्सिन एंड फ्यूरान कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर होता है। हमारे हम सबके शरीर में कैंसर के सेल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही हम डाइऑक्सिन फ्यूरान को इनहेल करते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं उसमें क्या होती है, एक्टिव हो जाती हैं तुरंत, और हम कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं। आज बंगाल के सारे कैंसर हॉस्पिटल जो है पेशेंट से भर्ती हैं। क्यों, इतने कैंसर पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं? सबके खाली स्मोकर हैं, गुटखा खाने वाले हैं। इसमें जो है पॉल्यूशन भी हो रहा है, लोग जाने अनजाने जहाँ तहाँ प्लास्टिक जला रहे हैं, और जलाने का परिणाम ये हो रहा है कि डाइऑक्सिन फ्यूरान को इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करके कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। फिर मैं आपको रोकूंगा, हम दर्शकों की जानकारी के लिए फिर से एक बार मैं बता दूं कि ग्रीन टेक इन्वायर्न मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के MD रमाकांत बर्मन जी हमारे साथ हैं। तमाम कचरे जो अस्पतालों में कहिए, क्वारंटाइन होम्स में कहिए, सेफ होम्स में कहिए, जितने भी क्लिनिक है कहिए, नर्सिंग होम कहिए, और घरों में कहिए, अस्पतालों में कहिए, जितने भी कचरे हम लोग फेंक दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उसको उठाता कौन है, उसको उठाकर हमारे लिए दूषण मुक्त वातावरण कौन तैयार कर रहा है? वो एक ही व्यक्ति तैयार कर रहा है, एक ही कंपनी तैयार कर रही है, और वो व्यक्ति, वो मसीहा हमारे साथ हमारे चैनल में, हमारे स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, रमाकांत बर्मन जी। सर, आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि 2 साल में लगभग हजारों टन जो कचरा था उसे आप लोगों ने कलेक्ट किया, लगभग कितना टन होगा, अनुमान क्या लगता है? लगभग पूरे बंगाल से हमने पिछले 2 साल में लगभग 10,000 टन कचरा कलेक्ट किया है, लगभग 10,000 टन कचरा। और इस कचरे को कलेक्ट करके इसमें हॉस्पिटलों से जो कचरा कलेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि सबको जलाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सलाइन बॉटल होता है, IV ट्यूब्स होता है, प्लास्टिक के सिरेंजेज होते हैं, ग्लास आइटम्स होते हैं, तो इनको फिर क्या होता है, डिसइनफेक्ट करके हम उसको रिसाइकिल भी करते हैं, क्योंकि उसकी रिसाइकिलेबिलिटी है, वो तो वेल्थ है देश का वेल्थ, क्योंकि प्लास्टिक को जनरेट करने के लिए हम नेफ्था इम्पोर्ट करते हैं, नेफ्था क्रैकर प्लांट में उसको प्रोसेस करके इम्पोर्टेड आइटम है, इम्पोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सरकार बहुत खर्च करती है। तो यदि उसकी रिसाइकलेबिलिटी है, यदि उसका यूज हो सकता है, तो फिर क्यों ना करें? तो जो सलाइन बॉटल, IV ट्यूब्स, प्लास्टिक सिरिंजेज, रबर आइटम्स, पेपर, कार्डबोर्ड, ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं, पेट बॉटल है, जो पानी का जो बोतल है आपका, ये पानी के बोतल से, किंतु अभी जो पानी का बोतल जो फेंक देते हैं लोग, ये पानी का बोतल हमारे पास आता है, हमारे पास आने के बाद उसकी रिसाइकलिंग हो करके जितना भी एडिडास, नाइकी और रिबॉक के जूते बन रहे हैं, सब प्लास्टिक के बोतल से बन रहे हैं। इसका स्टेपल फाइबर बनता है, इस स्टेपल फाइबर से जितने भी एडिडास के, नाइकी के, रिबॉक के और जो बड़े ब्रांड्स हैं, इसके जो टी शर्ट आप पहन रहे हैं, बोल रहे हैं पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, ये सब आपके पानी के बोतल से बन रहा है, और पानी के बोतल से जो कपड़ा बन रहा है वो पहन करके हम घूम रहे हैं। तो ये बहुत इसकी यूटिलिटी है, ठीक है। तो जो प्लास्टिक आ रहा है उसको हम रिसाइकल करके वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट बोला जा रहा है,
क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू पैसा बच रहा है। गवर्नमेंट को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या क्रूड ऑयल इंपोर्ट या नफ्था इंपोर्ट पे जो डॉलर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना पड़ता है हर वर्ष, उसमें उसकी किफ़ायत होगी, सरकार को बचत होगी। तो आप सरकार के लिए डॉलर भी सेव कर रहे हो करके वो, क्योंकि जब प्लास्टिक की रिसाइकिलिंग करते हो आप, तो प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए जो ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, पेट्रोलियम इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत कम जाती है, उसकी आवश्यकता कम जाती है, तो देश का रेवेन्यू बचता है। दूसरा है जो बच्चे पैदा होते हैं उसका प्लेसेंटा है, गौज है, कॉटन है, प्लास्टर है, जिसमें बॉडी फ्लूड लग गया, जिसमें ब्लड लग गया, जिसमें यूरिन लग गया, जिसमें स्टूल लग गया, ये सब सारी चीज़ें पहले तो डस्टबिन में चली जाती थी, वहाँ से फिर उस म्यूनसिपल डम्प्स में जाती थी और वहाँ से ह्यूमन हेल्थ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता था, मानव स्वास्थ्य को और परिवेश को नुकसान पहुँचता था। लेकिन ये सारे कचरे हम अभी हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, सब जगह से उठा लेते हैं और उठा करके इसको हेवी ड्यूटी इंसिनरेटर में 800 से 1200 डिग्री टेम्परेचर तक इसको हम जलाते हैं और इसको प्राइमरी चैम्बर में जलाते हैं, सेकेंडरी चैम्बर में जलाते हैं। बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित पद्धति है, उस पद्धति को फॉलो करके, मान करके हम इसको करते हैं और वो सारी चीज़ें मॉनिटर्ड होती हैं। धुआं जो हमारी चिमनी से निकलता है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेस्ट बंगाल और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली से उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। ऐसा नहीं कि हम जला दिए तो फिर धुआं क्या निकला, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, उसमें सेंसर लगे हुए हैं चिमनी में, सेंसर के थ्रू पूरा डेटा जो है स्टैक मॉनिटरिंग सिस्टम में जाता है और वहाँ से इंटरनेट के थ्रू जो है वो अपडेटेड होता रहता है सर्वर उसका। तो इस तरह से जो है जो जलाने वाला वेस्ट है इंसिनरेबल उसको हम जलाते हैं, जो ऑटोक्लेवेबल है जिसको डिसइंफेक्ट करके हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं रिसाइकलिंग करते हैं, और जिसको लैंडफिल में भेजना होता है उसको लैंडफिल में भेजते हैं। तो इस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रदूषण मुक्त वातावरण कैसे हो, हम लोग तो सिर्फ कह देते हैं कि भाई वातावरण जो है वो प्रदूषण मुक्त हमें करना चाहिए, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कचड़े को ठीक जगह पर फेंकें, कचड़े वाले को ही हाथ में दें, इधर उधर उसको फेंक ना फेंकें ताकि उसे वो जो है हमारे लिए ही कहीं कोई कभी काल ना बन जाए। लेकिन उसको करना कैसे है, उसे क्या करते हैं कचरे वाले, वो अंत में कहाँ पड़ जाता है और फिर से रिसाइकिल होकर हमारे सामने ही उसका क्या इस्तेमाल बनकर आता है, इन तमाम बातों के जो हम लोगों ने बार बार कहा है, जो मसीहा है वो हमारे साथ रमाकांत बर्मन जी हैं। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक पोस्टर है ग्रीन टेक का, सर आप इसको पकड़िए, ये देखिए ग्रीन टेक का ये पोस्टर है, इस पोस्टर से ही सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका चार वेस्ट बना दिया गया है। एक येलो वेस्ट है, एक वाइट वेस्ट, एक रेड वेस्ट और एक ब्लू वेस्ट, और उसके बाद ये कैसे रिसाइकिल होता है, कैसे और कौन कौन सी जो कचड़े हैं खासकर वो कैसे रिसाइकिल के लिए जाती हैं, ये तमाम इस पोस्टर में लिखा हुआ है। सर क्या क्या है इसकी खासियत, थोड़ा बताइए। इसकी खासियत है कि जो इसमें चार तरह के वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं, जितने भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, लेबोरेटरी है, क्लिनिक्स है, चार तरह से कलेक्शन का मतलब हुआ कि चार तरह के पॉलीथीन बैग्स में करते हैं। और ये पॉलीथीन बैग्स नॉर्मल पॉलीथीन बैग्स नहीं है, ये क्लोरीनेटेड नहीं है, इसमें क्लोरीन नहीं है, जिसमें क्लोरीन होगा उससे जलने पे डाइऑक्सिन फ्यूरान निकलेगा, ठीक है। तो स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिसमें हम इस कचरे को कलेक्ट करते हैं, और चार तरह का कलेक्शन मतलब इसका चार तरह का ट्रीटमेंट प्रोसेस है। जैसे जो येलो वेस्ट है वो जलेगा, वो जाकर के इंसिनरेटर में जाएगा, जो रेड वेस्ट है उसको डिसइंफेक्ट करके उसकी रिसाइकिलिंग होगी, जो ब्लू वेस्ट है, ब्लू मतलब है ग्लास आइटम्स एंड ह्यूमन बॉडी इम्प्लांट्स, वो क्या होता है स्टील का बना होता है, जैसे पेसमेकर है, ये ऐसा बात है हमारे पास, तो वो सब चीज़ें जो है उसको रिसाइकिल की जाती है डिसइंफेक्ट करके। ग्लास को भी जो है यूज़ किया जाता है, ग्लास जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ग्लास जो भी आ रहा है उसकी रिसाइकिलिंग हो रही है। पेपर इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री मोर और लेस रिसाइकिलेबिलिटी पर डिपेंडेंट है, पेपर जितना कलेक्ट हो रहा है उसकी रिसाइकिलिंग हो रही है, कार्डबोर्ड की रिसाइकिलिंग हो रही है, ठीक है। तो एक तरह से बोतल है, दूसरी तरह से येलो वेस्ट है, तीसरा प्लास्टिक आइटम्स है, बता दिया हमने कि सलाइन बोतल है, आईवी ट्यूब्स है, आपका सिरिंजेज है प्लास्टिक के, इसको हम लोग जो है डिसइंफेक्ट करके उसको श्रेडिंग करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम तोड़ देते हैं उसको श्रेडर के माध्यम से, जिससे कि उसको कोई रीयूज ना कर सके, रीयूज करने से फिर नुकसान हो सकता है। सिरिंज कोई ले लिया और उसको फिर नीडल लगा करके यूज़ कर लिया तो दैट कैन बी डेंजरस फॉर सोसाइटी, दैट कैन बी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो हम क्या करते हैं, उस सिरिंज को तोड़ देते हैं पूरा, तोड़ करके फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर हम लोग रिसाइकलर को देते हैं कि वो दाना बना करके फिर उसके प्लास्टिक आइटम वगैरह बना सके। तीसरा से प्लास्टिक की रिसाइकिलिंग, ग्लास की रिसाइकिलिंग, पेपर की रिसाइकिलिंग, पेट की रिसाइकिलिंग, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और जो जलाने वाला वेस्ट होता है उसको हम जलाते हैं, उसका जो छाई निकलता है, छाई निकल करके हजारडस
लैंडफिल होता है, इंजीनियर्ड लैंडफिल, उस इंजीनियर्ड लैंडफिल में उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है प्रॉपरली। ऐसा नहीं कहीं ऐसा जहाँ तहाँ फेंक दिया जाएगा। और ये जो कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 144 वार्ड में 2000 पीला बिन्स लगाया गया था बड़ा बड़ा। उस पीला बिन्स में लोगों ने पीपी किट्स फेंके, मास्क फेंके, हैंड ग्लोव्स फेंके, वो सारा कलेक्शन जो है पिछले 2 वर्षों में ग्रीनटेक कंपनी ने की है, हमने किया और कलेक्शन करके उसको प्रॉपरली हमने उसको ट्रीटमेंट किया और उसका डिस्पोजल किया। अभी असेंबली इलेक्शन हुआ था बंगाल का, असेंबली इलेक्शन में जितने बंगाल में बूथ थे हर बूथ में येलो बिन्स दिया गया था, पीला रंग का बिन्स दिया गया था, और लोग जब वोट देने जाते थे तो उनको हैंड में हैंड ग्लव्स पहना दिया जाता था, वोट देकर उसको फेंक देते थे। तो हैंड ग्लव्स था, मास्क था, पीपी किट जो वोटिंग पर्सनल थे, जो वोटिंग के जो अधिकारी थे उनको पीपी किट पहनाया गया था, डर के मारे पहने हुए थे। डरना ही चाहिए, वायरस इतना खतरनाक है, हर आदमी को डर लगता है, हमें भी डर लगता है। तो वो सारा वेस्ट जो है पूरे बंगाल का, वो हम लोगों ने उसको उठा करके उसका प्रॉपरली ट्रीट किया। अभी कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ 144 वार्ड का, 144 वार्ड के इलेक्शन में कम से कम 5600 बूथ थे, और हमें इस बार बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया था कि पूरे कलकत्ता शहर का 144 वार्ड का जो कचरा निकलेगा 5600 बूथ का, 2 घंटे में साफ कर देना है। कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मैंडेट था कि मिस्टर रमाकांत बर्मन ग्रीनटेक कंपनी आपको 2 घंटे में साफ करना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी डायरेक्टिव आया, DM साउथ 24 परगनाज और KMC का सबका डायरेक्शन था। हमने 600 गाड़ी उतार करके पूरा कलकत्ता शहर में इलेक्शन के ही दिन, KMC इलेक्शन के दिन 2 घंटे में कलकत्ता शहर को साफ कर दिया। तो इस तरह के अचीवमेंट्स हमारे हैं जो हम बायोमेडिकल वेस्ट में किए। और अभी NGT के ऑर्डर पर जो है, अभी NGT के ऑर्डर पर पूरे भारतवर्ष में जो कचरे का धापा था, जो माउंटेन था, पहाड़ था, कहीं 40 साल से लोग फेंक रहे हैं, कहीं 50 साल से फेंक रहे हैं, कहीं 70 साल से फेंक रहे हैं, कचरा मैनेजमेंट के नाम पे केवल कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डंपिंग हुआ है कचरे का, कचरे का प्रक्रियाकरण नहीं हुआ, प्रोसेसिंग नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, जब प्रोसेसिंग नहीं करते हम कचरे का, घर से कचरा उठा लिए, अब उसमें वेट वेस्ट भी है, गीला कचरा भी है, सूखा कचरा भी है, कलेक्शन करके आप जाके धापा में डंप कर दिए, तो डंप करने से क्या हुआ, नेचुरल प्रोसेस में ही वो जो फल फूल साग सब्जी जो भी था वो गला, सड़ा। अब वो सड़ गल करके उसका जो लीचेट हुआ ग्राउंड वाटर में चला गया, और सड़ते गलते समय उसका जो मीथेन गैस था, उस मीथेन गैस वो तो अभी भी निकल रहा है सारे धापा पे। लेकिन अभी NGT के ऑर्डर पे पूरे बंगाल में टेंडर हुआ है, हम लोगों को काम मिला है, और हम धापा को जो है पूरा ख़त्म कर रहे हैं। वो धापा में जो है मिट्टी है, क्योंकि जो कचरा था, गीला कचरा था, जो किचन का वेस्ट था, वो तो डिकम्पोज होकर के जो होना था हो गया, जो लीचेट ग्राउंड वाटर में जाना था चला गया, और जो एयर पोल्यूशन लगातार हो रहा था, PM 2.5, PM 10, 300-400 कलकत्ता शहर में रहता था, आज के डेट में PM 76 है, PM 2.5। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आज बैरकपुर, टीटागढ़, पानीहाटी, खरदा, गारुलिया, हाली शहर, कचरापाड़ा, भाटपाड़ा, ये सारे जो म्यूनसिपल डंप साइट्स थे सबकी प्रोसेसिंग हो रही है। पूरा कचरा हम पूरा पहाड़ी काट दे रहे हैं, और इस तरीके से काट रहे हैं कि मीथेन जो गैस था उसमें, उस मीथेन गैस को उड़ा दे रहे हैं। साइंटिफिक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस से पहले मीथेन गैस को उसको उड़ा देते हैं, क्योंकि यदि डायरेक्ट उसको हम इसको यदि प्रोसेस करने जाएंगे तो मीथेन गैस का जो भंडार है उससे क्या होता था, उससे ब्लास्ट हो सकता है, बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तो साइंटिफिक प्रोसेस से उसका बायो रिमेडिएशन करते हैं पहले कचरे का, हम उसको प्रोसेस करते हैं ताकि उसमें से जो गैस है वो बाहर निकल जाए, जैसे कि ब्लास्ट वगैरह ना हो। अब गैस एक बार मीथेन गैस उसमें से निकल गया तो ऑटोमेटिकली अब तो आग लगने का सवाल ही नहीं है। जितना भी धूप हो, जितनी भी गर्मी हो, अब कचरे में तो आग नहीं लगेगा। पुराना कचरा से जो आग निकल रहा था उससे जो PM 2.5 बढ़ रहा था, PM 10 बढ़ रहा था, तो उसके बढ़ने की तो संभावना चली गई। अब वहाँ से तो पोल्यूशन होने से रहा। अब दूसरा जो कचरा सड़ गल रहा था और गल करके लीचेट ग्राउंड वाटर में जा करके ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा था, वो चीज़ भी बंद हो गई। तो पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर गोइंग टू हैव बेटर ड्रिंकिंग वाटर, बेटर एयर क्वालिटी, लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर गोइंग टू बी बेटर इन द डेज टू कम। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और जितनी भी टेक्नैलिटीज़ थी उसको कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि जितने भी हमारे कचरे हैं उसको कैसे ये लोग रिसाइकिल करते हैं और फिर से हमारे लिए कुछ कुछ वस्तु के रूप में वो इस्तेमाल करने के लिए हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है। लेकिन एक सवाल मन में है, ये सवाल जो है ये सैकड़ों सालों से सर आ रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दशकों तक या सैकड़ों सालों तक ये सवाल बना रहेगा कि भाई अगर मैं गुटखा नहीं खाता, अगर मैं शराब नहीं पीता, अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ नहीं खाता जिससे मेरे शरीर में कोई समस्या है, फिर भी लोगों को कैंसर क्यों हो रहा है? तो
पाँच पाँच करोड़ के हम लोग घरों में रहते हैं, दस दस करोड़ के फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं कोलकाता में कहिए या आसपास के क्षेत्रों में कहिए, लेकिन फिर भी पानी जो है वो क्या सचमुच अच्छा पानी हमें मिल रहा है? क्योंकि जब ब्रश करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो पानी मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो प्लास्टिक से बचने के लिए या क्या मतलब ऐसा किया जाए कि हम स्वस्थ रहें, हम कैंसर हॉस्पिटल में जाकर भर्ती ना हो या कैंसर के पेशेंट ना बने? ये क्या, ये सवाल आज हर कोई के लिए ज्वलंत मुद्दा बन गया है। सिर्फ ये पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बात है। तो ऐसे में क्या हम लोग कदम उठाएं कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, और आपने सर एक इंटरव्यू में बताया था, मैंने पढ़ा है कहीं, कि एक एटीएम कार्ड की तरह का जो साइज होता है वो सर, वो कार्ड अगर आपके पास कहीं उपलब्ध है आप दर्शकों को जरा दिखाएं तो जी। इसमें जितना प्लास्टिक यूज हुआ है, हम जिस तरह से प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाते हैं, और जो भी देखिए अभी एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है कि हम घर पे खाना मंगवाते हैं, स्विगी से खाना मंगवाते हैं, जोमेटो से खाना मंगवाते हैं, और जो भी बिरयानी मंगवाते हैं अब जो भी खाना आता है, गर्म खाना प्लास्टिक आइटम में आता है, जो भी गर्म खाना आ रहा है बॉस प्लास्टिक आइटम में आ रहा है, प्लास्टिक के बर्तन में आ रहा है। प्लास्टिक के बर्तन में आने का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ तो प्लास्टिक डाइल्यूट होगा ही होगा, वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, गर्म हो तो और ज़्यादा होगा। आप सोच रहे हैं कि सुबह सूत उठ करके आप इडली खाना मंगा रहे हैं, इडली तो आपको दे दे रहा है वो, मान लेते हैं कि केला उला में लपेट के पेपर में लपेट के दे रहा है, लेकिन आपको जो जब वो लिक्विड दे रहा है, चटनी दे रहा है चाहे आपको ये दे रहा है क्या बोलते हैं सांभर दे रहा है, तो सांभर और चटनी वो प्लास्टिक में दे रहा है। तो जब आप मंगवाते हैं तो भैया आप अपने स्टील का जो टिफ़िन कैरियर है उसको ले करके भेजिए और उसमें मंगवाइए, आप ये प्लास्टिक का वर्जन करिए। ये प्लास्टिक का वर्जन करने के लिए हमने आज हमारे गुरुजी की संस्थान है मानव सेवा दल अवधूत देवीदास सेवा संस्थान, इस संस्थान के तरफ से और दो एनजीओ कंसर्न फॉर कलकत्ता और नागरिक मंच के तरफ से हमने पिछले 2 सालों में 10 लाख बैग दिए हैं कपड़ा के, जूट के, क्योंकि जब लोगों को आप मना करते हैं कि आप प्लास्टिक वर्जन करो, प्लास्टिक यूज मत करो, बाजार इसमें मत लाओ, तो हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम जो बिजनेसमैन हैं, हम जो समाज को दिशा देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम अपने इनकम से एक हिस्सा हम समाज को किसी न किसी फॉर्म में लौटाएं। तो उसको लौटाने के जो प्रोसेस है उसमें ये मानव सेवा दल के तरफ से, कंसर्न फॉर कलकत्ता के तरफ से, अवधू देवीदास सेवा संस्थान के तरफ से और नागरिक मंच के तरफ से ये जूट का बैग, कपड़े का बैग हम लगातार ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करते रहते हैं पूरे कलकत्ता शहर में और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, पूरे बंगाल में रादर हम कर रहे हैं इस तरह का प्रोग्राम, ताकि लोग जो है प्लास्टिक का वर्जन करके आप जूट में जाएं, कपड़े में जाएं। और पानी पीने के लिए देखिए, मैं पानी किंतु एक मिट्टी का बोतल है ऐसे बनवाया हुआ, मिट्टी का बोतल है इसमें पानी जो है इसमें रख करके एक फ्रिज की तरह ठंडा पानी देता है, गला भी चोक नहीं होता है, और इस तरह का पानी पीता हूँ और आपको भी मैं गिफ्ट करता हूँ कि आप ले जाओ, आप इसी तरह का पानी यूज़ करो, क्योंकि जब प्लास्टिक के बोतल में आप पानी पीते हो तो प्लास्टिक का डाइल्यूशन होगा ही होगा। ठंडा में तो डाइल्यूशन हो रहा है, गर्म में क्या अवस्था होगा? आप सोचो कि जो खाना आप गर्म मंगवा रहे हो, बता तो रहे हैं कि आप इडली मंगा रहे हो, बिरयानी गरम गरम मंगा रहे हो, चाइनीज़ खाना जो भी सर्व हो रहा है सब प्लास्टिक के बकेट में, सब प्लास्टिक के बर्तन में आता है, वो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, उस डब्बे में चाउमीन आता है, उसमें फ्राइड राइस आता है, उसमें चिली पनीर आता है, गरम गरम खाना प्लेट में निकाले खाते हो, लेकिन रेस्टोरेंट से आपके घर तक पहुँचने और स्टोरेज भी आप उसको फिर ठंडा करके फ्रिज में फिर आप रखते हो उसको, ये प्लास्टिक का डाइल्यूशन हो रहा है। एक प्लास्टिक के कार्ड का इक्विवेलेंट प्लास्टिक आप हर सप्ताह कंज्यूम कर रहे हो और ये आपके अस्वस्थ होने का कारण है। कभी आदमी का सरदर्द हो रहा है, रोज शाम को सरदर्द हो जा रहा है जी। दोस्तों ये कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि इतना मोटा प्लास्टिक जो है हर सप्ताह किसी ना किसी रूप से हमारे पेट में जा रहा है, पेट में जा रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, और आपके शरीर में जा करके आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आप हमेशा एजिटेटेड रहते हैं, शरीर में कोई ना कोई ठीक से आपका बावल जो है क्लियर नहीं हो रहा है, हजार तरह की बीमारियां आपके शरीर में फैल रही हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये जो होम डिलीवरी फूड होम डिलीवरी एजेंसीज हैं, ये तो भैया ऑर्डर अपने नेट पे ले रही हैं, ले करके डिलीवरी बॉय आकर खाना दे जा रहा है, लेकिन खाना कैसे दे जा रहा है? होम डिलीवरी का सिस्टम 10,000 साल से हमारे देश में तो नहीं था, आज घर में बैठे बैठे वेट भी अपना बढ़ा रहे हैं। हम तो पहले कम से कम रेस्टोरेंट में जाके तो खाना खाते थे, और जब घर पे डिलीवरी हो रहा हो भाई तो कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे कि प्लास्टिक कम से कम ना खाएं। रोज ही लोग रोज रोज खाना आ रहा है हमारे घर पे,
ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है कि हर दिन हमारे घर पे खाना, गरम खाना मंगवा रहे हैं, गरम खाना आ रहा है हमारे घर पे, फ्राइड राइस, चाउमीन, चिली चिकन, चिली पनीर सब आ रहा है और लपेट रहे हैं उसको, और फिर उसको बच जा रहा है तो फ्रिज में भी रख दे रहा, फिर गर्म करके खा रहे हैं, फिर उसको प्लास्टिक में डाल रहे हैं। ये प्लास्टिक में बार बार जो है खाद्य पदार्थ को लाना गर्म तो और बहुत खतरनाक है। ठंडे बोतल के पानी में डाइल्यूशन हो गया था, मैं एक बार एक पानी के बोतल में पानी रख दिया था, 3 महीने रह गया था किसी कारण से, मैं उसको यूज नहीं कर पाया। 3 महीने बाद देखा आम का जैसे पल्प होता है वैसे पूरा उस पानी में फैला हुआ था। हम बोले अरे प्लास्टिक का इतना डाइल्यूशन हो गया, बहुत अच्छे कंपनी का प्लास्टिक बोतल मैं पानी के लिए यूज़ करता हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, अच्छे क्वालिटी का जो महंगी से महंगी प्लास्टिक का बोतल होता है उसमें पानी मंगवाया था मैंने, उसको यूज़ किया। हम इस तरह से प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए हम प्लास्टिक के बैग के अल्टरनेटिव के रूप में हम जूट का बैग भी लोगों को देते हैं, कपड़े का बैग भी देते हैं, वो प्रोग्राम रेगुलर होता रहता है, ठीक है। लेकिन ये केवल कैंपेन के लिए है, आप लोग भी जो है कपड़े का बैग इस्तेमाल करें, जूट का बैग इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के प्लास्टिक से दूर हटें क्योंकि इसका नुकसान है। तो हम लोगों ने बताया कि आपको पिछले कुछ मिनटों में कि कैसे क्या आपको इस्तेमाल करना है, और जो कचरा हम लोग फेंकते हैं वो कचरा कहाँ जाता है, और यही सब काम के लिए, सेवा मूलक कार्य के लिए इन्हें देखिए रमाकांत बर्मन जी को मदर टेरेसा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पिछले दिनों कोलकाता में एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें रमाकांत बर्मन जी को मदर टेरेसा अवार्ड यानी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेरे एक अंतिम सवाल है रमाकांत जी की, प्रदूषण मुक्त होने के क्या उपाय हो सकते हैं, मतलब हम कैसे, क्योंकि वायु प्रदूषण है, साउंड पोल्यूशन है, बहुत सारे तरह के पोल्यूशन है, क्या कुछ आपके नज़र में क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे जो समाज है, जो वातावरण है, वो मुक्त हो सके प्रदूषण से? देखिए अभी NGT का जो ऑर्डर आया है कि जो पुराना कचरा का पहाड़ है पहले तो उसको साफ़ करें, क्योंकि अब कचरा फेंकने का जगह भी म्यूनसिपैलिटीज़ के पास नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास नहीं है। तो इस मैटर में हमें पूरा बंगाल के 17 अर्बन लोकल बॉडी का काम मिला हुआ है, जिसमें बाकुड़ा है, मेमारी है, कल्ला है, चंदन नगर, चिंसुरा, बैरकपुर, पानीहाटी, खरदा, महेशतला, सभी हैं। तो यहाँ पर जो पुराना कचरे का ढेर पड़ा हुआ था उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करके उसमें जो किचन का वेस्ट वो मिट्टी बन गया, वो फर्टिलाइज़र है बेसिकली, वो कंपोस्ट है, उस कंपोस्ट को निकाल करके हम उसी को देखिए जो हेडेक बना हुआ था उसको एग्रीकल्चर के लिए भेज रहे हैं, एग्रीकल्चर में जा रहा है, वो हॉर्टिकल्चर में जा रहा है, फ्लावर्स के कल्टिवेशन में, डेकोरेटिव प्लांट के कल्टिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हम बंद कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का अल्टरनेटिव आ रहा है, कि आपका जो घर से कचरा निकलता है गीला कचरा, उस गीले कचरे की यदि प्रोसेसिंग हो सके तो उससे जो है फर्टिलाइज़र बनेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनेगा, भूमि उर्वरक होगा, और जो खाना भी खाएंगे आप ऑर्गेनिक खाएंगे, उससे बीमारियां वगैरह नहीं होंगी। तभी तो पहले पुराने कचरे से हम अभी निकाल रहे हैं सब जगह से, जर्मनी से और यूके से हमने मशीनें इंपोर्ट की हैं, और इंपोर्ट करके उसका जो मिट्टी अलग कर रहे हैं, और उसमें जो प्लास्टिक है मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक, जैसे कुरकुरे का पैकेट है, आइसक्रीम का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, पोटैटो चिप्स है, इसकी कोई इसका कोई रिसाइकलेबिलिटी नहीं है, जिसको रिसाइकल करके कुछ बना नहीं सकते, समझे कि नहीं। जैसे आटे का पैकेट है, दाल का पैकेट है, तेल का पैकेट है, कुरकुरे का पैकेट है, आइसक्रीम का पैकेट है, चॉकलेट का पैकेट है, वो पूरा इसको मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक बोलते हैं। इस मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसमें आप मछली लाते हैं, जिसमें साग सब्जी आलू बाजार में जाएंगे तो 10 पैकेट ले लेते हैं, उसको सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं, एक बार यूज करके दूसरी बार फिर आप यूज को नहीं करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का भी कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। तो इसको निकाल करके हम आज सीमेंट प्लांट में भेज रहे हैं, सीमेंट प्लांट में इसको अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 2000 के ऊपर है, 2000 केकल, उससे ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, तो ये पावर प्लांट में जा रहा है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जा रहा है, सीमेंट प्लांट में जा रहा है, इसका यूसेज अल्टरनेटिव यूसेज वहाँ पे हो रहा है। और जो गीला कचरा था, वो जो सड़ गल गया था, जो मिट्टी बन गया था, मिट्टी नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग इसमें यूज़ करके पूरे ह्यूमन लाइफ को किस तरह से बेटर किया जाए, किस तरह से ऑर्गेनिक लिविंग कंडीशन में लोगों को ले जाया जाए, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये जो कचरा जो पुराना पड़ा हुआ, उसका जो निष्पादन कर रहे हैं, रेनी सीजन में बरसात होने से फिर और लीचेट जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता था, वो अब नहीं जाएगा, तो एयर की क्वालिटी आस्ते 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 जो बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड हो गया था, उसमें कंटामिनेंट्स का डाइल्यूशन कमने लगेगा, ये पानी का क्वालिटी बेटर होने लगेगा। जब आप ब्रश करते हैं तो उस पानी को यूज़ करते हैं, दैट वाटर, क्योंकि अभी क्या करते हैं, अभी जो पानी जहाँ पे भी धापा उपा होगा आसपास का पानी, ग्राउंड वाटर आप ले रहे हैं ब्रश यूज़ करने में, तो आप समझ लीजिए होम्योपैथिक दवाई से आप, होम्योपैथी का जो टिंचर, जो मदर टिंचर है, उससे आप ब्रश कर रहे हैं, ये अवस्था है। तो वो अवस्था जो है बहुत हद तक एड्रेस्ड होगी,
ग्राउंड वाटर क्वालिटी विल इम्प्रूव टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वर्क। सेकेंड है कि एयर क्वालिटी इम्प्रूव कर जाएगी, क्योंकि अब तो कचरा ही नहीं रहेगा, उस लिगेसी वेस्ट ही नहीं रहेगा, प्लास्टिक चला गया जो जल रहा था धापा में, वो अब जलेगा सीमेंट प्लांट में, अब वो जलेगा पावर प्लांट में। वेस्ट वेल्थ देगा, जब वैल्यू देगा, जब उसका वैल्यू एडिशन होगा उसमें, ठीक है, तो वैल्यू में कन्वर्ट करेगा उसको, तो जले तो गा, प्लास्टिक तो जलाना ही पड़ेगा। वो धापा में जल करके पोल्यूशन पैदा कर रहा था, रोग पैदा कर रहा था, गर्मी पैदा कर रहा था, अभी वो हीट पैदा करेगा सीमेंट प्लांट में, पावर प्लांट में, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, आपको सीमेंट देगा, तो उसकी यूटिलिटी चेंज हो गई। तो एयर क्वालिटी बेटर, वाटर क्वालिटी बेटर, जो हेडेक था आपके लिए, जगह नहीं था कचरा और फर्दर उसमें डालने के लिए, वो जगह अवेलेबल आपके पास हो गया। तीसरा हो गया कि सीमेंट प्लांट में उसको अल्टरनेटिव फ्यूल सस्ता मिल गया सीमेंट प्लांट को, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को कोयले की जगह, पहले कोयला यूज़ करते थे उससे पोल्यूशन होता था, तो इसमें वो सस्ती फ्यूल मिल गई उनको, ठीक है। चौथा जो है, ये जो प्लास्टिक वगैरह जो ले करके हम रिसाइकल कर रहे हैं, रिसाइकलिंग से क्या हुआ कि सरकार को जो नेफ्था इंपोर्ट करके डॉलर खर्चा करने की ज़रूरत पड़ती थी, उसमें भी सरकार को सहूलियत मिल गई। तो ये बहुत सारे इसके मल्टीफेरियस इसके एंगल्स हैं और उसके बेनिफिट्स हैं बायो माइनिंग प्रोजेक्ट्स के, जो कि अभी बंगाल में मैं कर रहा हूँ, दिल्ली में कर रहा हूँ, दिल्ली भलसवा ओखला गाजीपुर के जो डम साइट्स हैं वहाँ पर भी हमने मशीनें ला करके लगाई है, वहाँ भी हम कर रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में इसके टेंडर निकल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करेंगे पूरे भारतवर्ष में करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और हमें बताने के लिए कि जो कचरा है वो कहाँ जाता है और कैसे फिर रिसाइकिल होकर हमारे सामने फिर से वो उपलब्ध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत बर्मन जी का। और दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पहली नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।